ये कैसा सीन चल रहा है जिसमें मैं सब्जियां खरीदने मार्केट में जाती हूँ और ऑफ स्क्रीन मुझे पता चल रहा है कि ये सुमन भाभी और प्रीति भाभी की एक आप कह सकते हैं उनका एक प्लान है, क्योंकि उनको लगा कि ध्रुव सर को मैं बहुत पसंद करती थी क्योंकि वो मुझे हीरो जैसे लगते थे, तो वो चाह रही हैं कि बिहान ऐसी कोई हरकत करे मेरे सामने जिससे मुझे लगने लगे कि वो मेरा हीरो है और मुझे उससे प्यार हो जाए। तो वो कोशिश कर रही हैं हमें एक हम दोनों को एक दूसरे से मिलाने की। तो वो नकली गुंडों को बुलाती हैं, बट नकली की जगह असली गुंडे आ जाते हैं, नकली नहीं आते हैं। एंड ऐसे करके पूरा ड्रामा चलता है। वो मेरे को ईव टीज करते हैं, पूरी ईव टीजिंग होती है, मेरे साथ छेड़ते हैं गुंडे। फिर मैं चप्पल उतार के उनको बोलती हूँ तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या। इट वॉज सच अ लवली सीन, मुझे बहुत मज़ा आया करने में। एंड अभी ये हो रहा है कि बिहान के साथ उन गुंडों की डिशम डिशम हो रही है। आपने कहा हीरो, हीरो प्रोड्यूस किया आपके नज़र में हीरो कौन होता है? एक इंसान की बात करें तो किस तरह के इंसान का हीरो कहना चाहेंगे? मेरी नज़रों में अगर एज थपकी एज जिज्ञासा दोनों अगर बोलूँ तो मेरी नज़रों में एक लड़का हीरो तभी है जब वो एक अच्छा इंसान है। बिकॉज मैं सोचती हूँ कि लुक्स बहुत ही टेम्प्ररी चीज़ हैं, कि हीरो जैसा दिख रहा है तो हीरो है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ही टेम्प्ररी होता है और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम का होता है वो चीज़। एंड वॉट आई बिलीव इज़ लाइक बहुत अच्छा ह्यूमन बींग होना चाहिए और सबके साथ डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने अपने मॉम डैड से भी कहा है कि मैं शायद अपनी पूरी लाइफ मुंबई में रहना चाहूँगी, बिकॉज इट्स सच अ लवली सिटी। यहाँ पर मैंने देखा ही नहीं कहीं करप्शन होते हुए। मतलब आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली एंड दिल्ली जैसी जगह पर इतनी टीजिंग होती है, इतनी छेड़खानियाँ होती हैं लड़कियों के साथ। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हो भी चुका है। आई वॉज इन सेवन्थ स्टैंडर्ड एंड मेरे साथ छेड़खानी हुई थी एंड बट मैंने तब भी उस लड़की को मारा था। तो इट्स बट आई से इट्स लाइक कभी भी ये चीज़ किसी के भी साथ हो सकती है और किसी भी सिटी में, बिकॉज नथिंग इज सेफ। तो आप हमेशा लड़कियों को ये कहूँगी, हमेशा अपने साथ कुछ भी पेपर स्प्रे या समथिंग यू शुड कैरी, बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज बेटर देन क्योर। या और गणेश पूजा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे सेलिब्रेट किया आपने और कितना? गणेश पूजा के लिए मैं यही कहना चाहूँगी, क्योंकि मुझे इतना मन था मुंबई में गणेश पूजा देखने का, पर मैं देख नहीं पाई अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज बहुत ही हेक्टिक हम लोग शेड्यूल में रहते हैं और आप सबकी सेवा में लगे रहते हैं, इतना हेक्टिक रहता है शूट, सो मेरे को मौका नहीं मिला। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। हमने सीन में गणेश विसर्जन किया और मुझे पता चला कि गणपति ऐसे बिठाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, तो बहुत मज़ा आया। और मैंने हमारे जो शो में हैं ध्रुव सर, उनके मैंने ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें देखी। उन्होंने अपने घर पे गणपति बिठाए थे, तो ऑनलाइन सब कुछ देखा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड आई रियली होप सो कि मैं अगले साल फ्री रहूं जैसे मैं भी अपने घर में गणपति बिठा सकूं। अच्छा, ये भी आपके जो डायरेक्टर हैं राजन सर, उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्मों का मतलब निर्देशन किया। हाँ जी बिल्कुल। किस तरह के डायरेक्टर हैं, कैसे आपको? रंजन सर इज़ वन ऑफ द मोस्ट लवलीस्ट पर्सन एवर आई हैव मेट। मतलब आई एम न्यू टू दिस इंडस्ट्री, बट ही इज़ सच एन अमेजिंग पर्सन। काम के टाइम काम, एंटरटेनमेंट के जगह एंटरटेनमेंट, एंड मुझे फील ही नहीं होता दैट आई एम वर्किंग हियर। बहुत ही होमली एनवायरमेंट देते हैं वो हमें एंड हर प्रॉब्लम को समझते हैं। अगर किसी आर्टिस्ट की कोई प्रॉब्लम है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। काम के टाइम बहुत स्ट्रिक्ट हैं वो, काम करवाते हैं बिल्कुल, नो मस्ती नो मजाक। बट हम बहुत ज़्यादा ही पसंद इसलिए करते हैं बिकॉज ही इज़ अ वेरी वेरी ट्रू पर्सन, जो है वो है। थैंक यू सो मच। आपके शॉर्ट्स हैं क्या?